हेलो बच्चों, वेलकम टू विनिंग स्टडी पॉइंट ई क्लासेस। लास्ट क्लास में हम हमारी मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.2 कर रहे थे, ठीक है, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। उसमें से जो सेकंड क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को उसमें से दो पार्ट होमवर्क दिए थे। टोटल चार पार्ट है इसमें, जिसमें से दो पार्ट मैंने आपको कराए थे और दो पार्ट आपको होमवर्क दिए थे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने उसको कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं किया है या अगर किया भी है तो उसमें अगर गलती हुई है तो मैं दोबारा से वो जो दो पार्ट मैंने नहीं कराए थे मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अगर जिसने गलत किया तो उसको चेक कर लें कि कैसे होगा, ठीक है ना, तो उसको सही कर लेना। तो मैं कराने जा रहा हूँ जो दो पार्ट मैंने छुड़ाए थे। तो जैसे कि वो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था, हमें इसमें करना क्या था, हमें पॉलिनोमियल दे रखी है तीन, उन तीनों पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू निकाल के दिखानी है P0, P1 एंड P2 पर। इन तीन वैल्यूज पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, और पॉलिनोमियल जो है हमारे पास पी एक्स, हमारे पास पॉलिनोमियल है y² - y+1, ये हमारा पॉलिनोमियल है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इन तीन वैल्यूज पे, ठीक है ना। इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमें रखना है P0। जब आप P0 रखोगे तो जहां जहां पर y लिखा हुआ है वहां वहां पर 0 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0² - 0+1। 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये भी 0 है, 0 में से 0 माइनस करो 0 ही होगा, और लास्ट में 1 जुड़ के क्या बन जाएगा, तो 1। तो P0 पर रखने पर यहाँ पे पॉलिनोमियल में हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है 1। सेकेंड पार्ट P1, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से y² - y+1, तो हर जगह y की जगह 1 रखना है, तो 1² - 1+1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 + 1, ये +1 और -1 तो 0 हो जाएगा और बचेगा लास्ट वाला 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पार्ट, इसमें अब हमें रखना है P2। जब आप इसकी वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 - 2 + 1, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये तीनों पार्ट इसके हो गए। तो आप लोग एक बार चेक कर लेंगे कि आपने ये किया है तो सही किया है या गलत, ठीक है। और इसका पार्ट थर्ड मैंने छुड़वा दिया था। पार्ट थर्ड में PX = लिखा हुआ है X², तो इसको सॉल्व, सॉरी X³ लिखा हुआ है, X³, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, P0 जीरो रखना तो 0 का क्यूब करना है, तो 0 का क्यूब आपको पता है 0 ही होता है। जब P1 रखेंगे तो 1 का क्यूब करना है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और जब P2 रखेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8। तो ये आपके आंसर आ गए, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था वो हमने पूरा कर लिया, जिसके दो पार्ट, ठीक है। अब हमें करना है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने कहा था कि कल मैं कराऊंगा, ठीक है। वैसे तो आसानी है, वो भी मैंने एग्जाम्पल्स जो कराए थे उसी से रिलेटेड है, और अगर आप ने चाहा होगा तो वो कर भी लिया होगा, कोई उसमें टफ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस थे वो दो भी। फिर भी मैं देखा करा देता हूँ एक बार आप लोगों को कैसे करेंगे वो, तो देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। Indicated against them. तो ये क्वेश्चन है कि आपको ना कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं और उन पॉलिनोमियल्स के साथ उनके वेरिएबल की कुछ वैल्यू दे रखी है, तो आपको चेक करना है कि क्या वो वेरिएबल की वैल्यूज जो हैं वो उस पॉलिनोमियल के जीरोज है या नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये कैसे चेक किया जाता है कि कोई वैल्यू
पॉलिनोमियल की जीरो है या नहीं। तो मैंने बताया था कि वैल्यू पुट करेंगे, अगर वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है तो यानी कि वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल की का जीरो है, और अगर जीरो नहीं आता है पुट करने के बाद तो वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं, मैं एक एक करके आपको करा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है, आपको दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और x की वैल्यू दे रखी है आपको माइनस 1 अपॉन 3, x की वैल्यू दे रखी है माइनस 1 अपॉन 3। तो आपको चेक करना है कि ये इसका जो x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 3 दे रखी है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। तो आपको पुट करना है x की जगह माइनस 1 अपॉन 3, तो जहां भी x लिखा है वहां माइनस 1 अपॉन 3 रख देंगे, तो इस 3 से 3 कट जाएगा, बनेगा माइनस 1 प्लस 1, और माइनस 1 प्लस 1 कितना होता है जीरो। तो लास्ट में जीरो आ गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, यानी ये इसका जीरो है। हिंदी में लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 बटे 3 बहुपद px इज इक्वल टू 3 प्लस 1 का 3x प्लस 1 का शून्यंक है, ठीक है ना। हिंदी में कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1 बटे 3 बहुपद पी एक्स बराबर 3x प्लस 1 का शून्यंक है, तो हिंदी वाले भी लिख लेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे पार्ट हैं इसके, टोटल 10 पार्ट्स हैं मेरे ख्याल से, नहीं 8 पार्ट्स हैं, तो मैं सारे करा रहा हूं आपको। दो चार छोड़ दूंगा जो आप खुद करेंगे, एक दो मैं आपको करा रहा हूं। सेकेंड पार्ट है, पी एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू आपको दे रखी है 4 अपॉन 5। तो आपको क्या करना है, x की जगह 4 अपॉन 5 पुट करना है, तो 5 इंटू में 4 अपॉन 5 माइनस पाई, तो 5 से 5 तो कट जाएगा पर बचेगा 4 माइनस पाई, ठीक है। तो 4 माइनस पाई करके 0 तो नहीं आएगा, अरे जीरो के बराबर आएगा क्या, नहीं, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 22 अपॉन 7, तो 4 में से आप 22 अपॉन 7 घटाएंगे, या पॉइंट में भी ले लो 3.14 घटाएंगे तब भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो जीरो नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, यानी ये इसका शून्यंक नहीं है। तो हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे बिल्कुल, बस जैसे यहाँ पे लिखा ना बहुपद का शून्यंक है, आपको यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके लिखना है बहुपद का शून्यंक नहीं है, ठीक है, बहुपद का शून्यंक नहीं है। हिंदी मीडियम वाले ऐसे कर लेंगे उसे, ठीक है। अब मैं इसका थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, एक काम करते हैं थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है, मैं आपको आगे बढ़ा देता हूँ उससे। कुछ पार्ट आप खुद करें, आपकी प्रैक्टिस होना भी जरूरी है, अगर मैं सारे ही करा दूंगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो वैसे अगर आपसे नहीं होगा तो मैं कराऊंगा ही, पर आप पहले खुद से करके देखें, कि खुद भी करेंगे ना आप, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट मैं आपको करा देता हूं, फोर्थ पार्ट, थर्ड नहीं करा रहा, थर्ड आप खुद कर लेना, फोर्थ मैं करा रहा हूं। पी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1 एक्स माइनस 2, एंड x की टू वैल्यूज दे रखे हैं यहाँ पे, x की एक वैल्यू दे रखी है माइनस 1 और दूसरी वैल्यू दे रखी है 2, तो यहाँ पे दो बार वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले जब आप x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो p माइनस 1, तो जहाँ जहाँ पे x लिखा है माइनस 1 लिख देना है, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 प्लस 1 कितना होता है जीरो, गुना में माइनस 1 माइनस 2 कितना होता है माइनस 3, जब गुना करेंगे इनकी तो जीरो से गुना हो गया पूरा का पूरा क्या आ जाएगा जीरो। नाउ अब हमें दोबारा में करना है, पुट करना है पी टू, एक्स की जगह क्या पुट करना है टू, तो यहाँ लिखेंगे टू प्लस वन और यहाँ होगा टू माइनस टू, टू प्लस वन होता है थ्री और टू माइनस टू होता है जीरो, तो यहाँ भी कितना आ गया जीरो, यानी कि दोनों में ही जीरो आ गया, और जीरो आ गया का मतलब है कि देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड टू आर द जीरोज ऑफ
द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, यानी कि ये दो वैल्यूज आपको दे रखी है माइनस वन एंड टू, ये दोनों इस पॉलिनोमियल के शून्य यानी कि बहुपद इनके जीरोज हैं। हिंदी में भी वैसे अभी जैसे लिखवाया था, लैंग्वेज हमेशा सेम रखनी है, ठीक है, और आप इसको कर सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट हो गया, एक दो और करा देता हूं बस, बाकी आप खुद कर लेना। सिक्स्थ करा रहा हूं, सिक्स्थ पार्ट में दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम एंड x की वैल्यू दे रखी है माइनस एम अपॉन एल, ठीक है। तो आपको इसमें x को क्या पुट करना है, माइनस एम अपॉन एल, तो ये बन जाएगा l इंटू में माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, l से l कट जाएगा माइनस एम प्लस एम, कितना आ जाएगा जीरो, यानी कि ये भी इसका जीरो है, यानी कि देयरफॉर माइनस एम अपॉन एल इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, यानी इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो इसके अलावा मैं एक और पार्ट करा देता हूं आपको, जो कि पार्ट सेवन, तो वो लास्ट पार्ट करा रहा हूं, उसके बाद जो बच जाएंगे वो सारे आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है ना, वो बाकी सारे आसान है, तो ये मैंने करा दिए, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। लास्ट एक और करा रहा हूं इसका पार्ट, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। इसका सेवेंथ पार्ट लास्ट करा रहा हूं मैं, जिसमें आपको दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वन एंड x की दो वैल्यूज दे रखी है, x की एक वैल्यू दे रखी है माइनस वन अपॉन रूट थ्री और दूसरी वैल्यू दे रखी है टू अपॉन रूट थ्री। ये मैं इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रूट वाली वैल्यू दे रखी है, ऊपर से फ्रैक्शन भी है, ठीक है, कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें, जबकि कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, कोई भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन है, देखेंगे। तो जैसे कि दो वैल्यूज दे रखी है, दो बार रखना है हमें, सबसे पहले हम पी वन x की वैल्यू रखेंगे माइनस वन अपॉन रूट थ्री, तो जहां जहां पे x है वहां पे हम रख देंगे माइनस वन अपॉन रूट थ्री और उसका स्क्वायर हो रहा है, तो 3x स्क्वायर था तो 3 इंटू में माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन। तो अब जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है माइनस वन का स्क्वायर जो होता है वो प्लस वन होता है, क्योंकि माइनस वन गुना माइनस वन इज इक्वल टू वन वन जा वन और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का स्क्वायर जो माइनस वन का स्क्वायर प्लस का होता है और रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा थ्री, माइनस वन, थ्री से थ्री कट गया और कितना बचेगा, इधर बचेगा वन और माइनस वन, वन माइनस वन कितना होता है जीरो। तो यानी कि x की वैल्यू माइनस वन अपॉन रूट थ्री पुट करने पे यहाँ पे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई। अब हमें दूसरी वैल्यू पुट करनी है टू अपॉन रूट थ्री, तो ये पुट करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा थ्री इंटू में टू अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, तो थ्री इंटू में टू का स्क्वायर फोर और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस वन, थ्री से थ्री काट देंगे फोर माइनस वन और फोर माइनस वन कितना होता है थ्री, ये जीरो के बराबर नहीं आया। तो ये दूसरी वैल्यू जो है ये जीरो के बराबर नहीं आई, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें मैं ये कह सकता हूं, इधर का मिटा रहा हूं ये, तो इसमें हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, बट x इज इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ये तो इसका जीरो है बट ये इसका जीरो नहीं है, ठीक है ना, हिंदी में लिखेंगे x बराबर माइनस एक बटे रूट तीन बहुपद का शून्यंक है, परंतु x बराबर दो बटे रूट तीन बहुपद का शून्यंक नहीं है। तो
यही था, बहुत आसान है। इसमें आपको बस चेक करना है कि वो उसका जीरो है या नहीं। उसके लिए बस आपको जो भी वैल्यूज दे रखी हैं वेरिएबल की, उसको पुट करना है आपको पॉलिनोमियल के अंदर और चेक करना है कि अगर जीरो आ जाता है तो उसका जीरो है, जीरो नहीं आता तो उसका जीरो नहीं है। सिंपल। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कि हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल दे रखे हैं, आपको उनके जीरोज निकालने हैं। तो आप कैसे निकालेंगे? ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल दे रखा है जो कि है पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस फाइव। तो इसका अगर हमें जीरो निकालना है, तो मैंने आपको सिखाया था कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं। इसके लिए मुझे लेट करना पड़ेगा पी एक्स इजिकल टू जीरो। ठीक है, जब हमें किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना होता है ना, तो उसके लिए हम पहले उस पॉलिनोमियल को जीरो मान लेते हैं। तो वो पूरा पॉलिनोमियल हमने जीरो मान लिया, तो जब ये जीरो के बराबर है, इसका मतलब ये पूरा भी जीरो के बराबर है, यानी एक्स प्लस फाइव इजिकल टू किसके आ गया, जीरो के। और जब ये जीरो के बराबर आ जाएगा, तो ये प्लस का फाइव उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का फाइव। तो यानी कि यही जो वैल्यू है माइनस फाइव इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस फाइव। हिंदी में लिखेंगे अतः माइनस पांच बहुपद पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस पांच का शून्यंक है। तो ये बात आपको लिखनी है स्टेटमेंट में लास्ट में। ठीक है, ये लास्ट में आप स्टेटमेंट लिखेंगे। तो जैसा ये था वैसे ही आपको सारे करने, सारे पार्ट बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, बिल्कुल भी इसमें कुछ खास है ही नहीं, बहुत इजीली आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मैं इसका आपको कौन सा पार्ट कराऊँ, मैं इसको इसका आपको फोर्थ पार्ट करा देता हूँ। फोर्थ पार्ट जो है, इसमें आपको दे रखा है पी एक्स इजिकल टू थ्री एक्स माइनस टू। ठीक है, पी एक्स इजिकल टू थ्री एक्स माइनस टू, इसको आपको इसका शून्यंक यानी कि इसका जीरो फाइंड करना है। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, आप लेट करेंगे एक्स इजिकल टू, सॉरी पी एक्स इजिकल टू जीरो के, जैसे कि मैंने बताया पी एक्स इजिकल टू जीरो पुट करेंगे, यानी कि ये जो आपको वैल्यू दे रखी है थ्री एक्स माइनस टू, ये इजिकल टू हो जाएगा जीरो। तो थ्री एक्स इजिकल टू माइनस का टू उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का टू। और एक्स इजिकल टू ये टू, ये थ्री के साथ मल्टीप्लाई हो, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसका आंसर कितना आ गया, टू अपॉन थ्री। और यही स्टेटमेंट आपको लिख देनी है, बस यहाँ पे माइनस टू अपॉन, यहाँ पे टू अपॉन थ्री लिखना है और पी एक्स चेंज कर देना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लिख लेंगे बार बार कि इसमें क्या लिखेंगे कि टू अपॉन थ्री इज जीरो ऑफ द जीरो, द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इजिकल टू थ्री एक्स माइनस टू, यानी कि ये जो टू अपॉन थ्री है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। हिंदी में भी जैसे अभी इसमें लिखवाया हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से आप लिखेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो स्टेटमेंट आप हर बार खुद लिख लेना, मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू तक निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो मैं इसका एक ही पार्ट और कराऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। ठीक है, मैं इसका सीधा लास्ट पार्ट करा रहा हूँ, सेवन्थ पार्ट, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं सारे पार्ट इसके। तो इसको नोट कर लेगा लीजिएगा आप रब करके, मैं इधर करा देता हूँ। लास्ट पार्ट है, आपको पी एक्स इजिकल टू दे रखा है सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो सी एक्स प्लस डी, तो इसमें इसको भी आपको इसमें जीरो फाइंड करना है, तो इसको आप जीरो के बराबर मान लेंगे, यानी सी एक्स प्लस डी बराबर हो जाएगा जीरो के। सी एक्स बराबर हो जाएगा प्लस का डी इधर आके माइनस का डी हो जाएगा, और एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का डी अपॉन सी। तो जो यही वैल्यू है माइनस का डी अपॉन सी, यही इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो इसी तरीके से स्टेटमेंट में आप लिख देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आपका निकल चुका है। तो इसी तरह से मैंने आपको तीन पार्ट कराए हैं, ये आपका सेवन्थ पार्ट है। तो बचते हैं इसका पार्ट नंबर सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये पार्ट आप खुद करेंगे, बहुत ही ईजी है, करने लायक कुछ उसमें है नहीं खास,
जैसे हमने ये किया है बिल्कुल उसी तरीके से करना है, ठीक है? तो ये आप खुद करेंगे, आपके लिए होमवर्क है ये, ठीक है? तो अब हम चलते हैं अपने अगली एक्सरसाइज की तरफ। चलिए बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज के लिए। अब हमें 2.3 के लिए कुछ चीजें समझनी है, जिसमें आज हमें सीखना है डिवाइड। तो आप कहेंगे कि डिवाइड तो हमें पहले से आती है, तो मैं किसी नॉर्मल डिवाइड की बात नहीं कर रहा जो कि आप 5वीं 6वीं में सीखते हैं। आज हम जो डिवाइड करने वाले हैं वो है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है? आज हमें जो डिवीजन सीखनी है यानी कि डिवाइड यानी भाग सीखना है, वो बहुपद की भाग सीखना है कि हम पॉलिनोमियल्स को आपस में कैसे डिवाइड करते हैं। नॉर्मल नंबर की तो डिवाइड आपको आती है, अगर मैं जैसे लिख दूं कि भाई 256 डिवाइडेड बाय 4, तो आपको अगर ये बोल दिया जाए तो आपको पता है आप डिवाइड कैसे करते हैं, 4 बाहर लिखते हैं, 256 अंदर लिखते हैं और 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 6 24, फिर आपका 1 बचता है, फिर आप 1 ये 6 को नीचे उतारते हैं, फिर 4 4 16 करते हैं और ये आपका कट जाता है और आपकी डिवाइड कंप्लीट हो जाती है। ये तो नॉर्मल एक आप नंबर वाली डिवाइड कर रहे हैं। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है डिवाइड या डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है? कि पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। इसके लिए मैं आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 ले रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको डिवाइड करने के लिए दिया गया है, कह रहा है डिवाइड पी एक्स बाय जी एक्स। पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है, वेयर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x² - 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 + x। तो आपको डिवाइड करना है जिसमें पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है, जिसमें पी एक्स आपको ये दे रखा है, जी एक्स आपको ये दे रखा है। अब बताइए कि क्या एक नॉर्मल डिवाइड लग रही है आपको? अभी तक आप लोग जो डिवाइड करते थे वो नंबर वाली डिवाइड होती थी, नंबर्स की, पर फिलहाल अब हमें जो डिवीजन करनी है वो पॉलिनोमियल्स की करनी है, ठीक है? तो इसे हमें सीखना थोड़ा जरूरी है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर डिवाइड करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हम किसी पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि पी एक्स जो लिखा है एक्स प्लस 3x² - 1, तो इसकी सीक्वेंस क्या सही लिखी हुई है? क्या ये अपने सीक्वेंस में सही है? तो नहीं। कभी भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप कभी भी किसी पॉलिनोमियल को लिखते हैं ना, तो उसकी जो सबसे बड़ी पावर है, जो उसकी डिग्री है, वो सबसे आगे आनी चाहिए, उसके बाद उससे छोटी पावर और उससे बाद उससे छोटी पावर। तो हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है, और कभी भी आपको ऐसे आगे पीछे करके आए तो आपको पहले इसको सही करना है कि आपको यहाँ पे एक्स प्लस 3x² - 1 दे दिया। हमें पता है कि जो इसकी डिग्री 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 है, तो जो सबसे बड़ी पावर होगी वो सबसे आगे आएगी। तो 3x² को पहले लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे। और जी एक्स जो है यहां भी आप देख सकते हैं 1 + x लिखा हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए x + 1, क्योंकि पहले वेरिएबल आता है और फिर उसके बाद कांस्टेंट आता है। तो वेरिएबल पहले लिखेंगे और कांस्टेंट उसके बाद लिखेंगे, और आपको इन्हें क्या करना है, डिवाइड। क्या करना है? डिवाइड। जब डिवाइड करना है तो आपको पता है डिवाइड का कुछ ऐसे ही साइन बनाते हैं, जिससे डिवाइड करना है यानी जी एक्स से उसको बाहर लिखते हैं, जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर लिखते हैं, यानी कि ये आपका डिवाइजर है, ये आपका डिविडेंट है। ये पता है ना आपको, अंदर डिविडेंट होता है, बाहर डिवाइजर होता है, नीचे रिमाइंडर होता है, यहां कोशेंट होता है, ठीक है? हिंदी में इसको बोलते हैं भाजक, इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं शेषफल और इसे कहते हैं भागफल। अच्छा, एक बात और, जो हम डिवाइड करते हैं ना, तो हमारा आंसर जो होता है वो क्वेश्चन होता है, यानी कि ये हमारा आंसर होता है क्वेश्चन डिवाइड करने के बाद, ठीक है? कई लोग रिमाइंडर को उसका आंसर समझ रहे होते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन होता है ना
वही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होता है। जो भी डिवाइड करते हैं तो वही उसका आंसर निकल के आता है। तो अगर मुझे इसमें डिवाइड करना है तो मैं इस डिवाइड को कैसे करूं? अब तो आपको नॉर्मल जो डिवाइड आती है उसमें तो आपको ये बात पता है कि आप पहाड़े पढ़ते हैं, है ना? जैसे मैंने अभी आपको किया था ना, ये 256 था, यहाँ 4 था, तो 4 का टेबल आपने 6 बार पढ़ा, 24 आया, 1 निकला, फिर 6 उतारा, फिर 4, 4 जा 16। तो यानी कि आप हर बार पहाड़े पढ़ रहे हैं। अब मेरे को अगर इसे डिवाइड करना है तो मुझे एक्स प्लस वन का तो पहाड़ा ही नहीं आता, एक्स प्लस वन का तो कोई टेबल ही नहीं आता मुझे। आता है क्या आप लोगों को एक्स प्लस वन का टेबल, कि एक्स प्लस वन का टेबल में से इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो हमें एक्स प्लस वन का कोई टेबल नहीं आता, फिर भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? तो ध्यान से समझना, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है डिवाइड करने के लिए, ठीक है? और अभी आगे हम कुछ और चीजें सीखेंगे, जब हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे उसमें भी इसका बहुत यूज होगा। तो फिलहाल आप ध्यान से समझ लो कि डिवाइड करते कैसे हैं, ठीक है? कभी भी डिवाइड करने के लिए आपको इसके आगे वाला और इसके आगे वाला, इनको देखना है हमेशा। क्या देखना है? कि इसके आगे कौन है, मतलब जो इसके सबसे आगे वाले डिजिट को देखना है, अपने सबसे आगे वाला वेरिएबल जो भी लिखा हुआ है टर्म, और इसके सबसे आगे वाला टर्म देखना है, ठीक है? डिविडेंड के आगे वाला टर्म और डिविडेंड के आगे वाला टर्म और डिवाइजर के आगे वाला टर्म। फिर करना क्या है आपको, देखना क्या है, मैंने बोला है कि देखना है, तो देखना क्या है? देखना यह है कि इसमें ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है, इसके पास ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे पूछा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप देखो यहां पे इस वाली टर्म को देखो और इसमें आगे वाले टर्म को देखो कि इसके पास ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है, तो आप बोलेंगे कि ना इसके पास 3 है, इसके पास 3 नहीं है। तो मैं कहता हूं कि चलो इसको 3 दे देते हैं। फिर आप कहोगे कि इस पे x का स्क्वायर है, क्या इसके पास x का स्क्वायर, और इसके इसके पास सिर्फ x है, यानी कि इस पे कितने x की कमी है, एक x की। x का स्क्वायर का मतलब क्या है, x इंटू x, x स्क्वायर मतलब होता है x इंटू x, एक इस पे एक x तो है पर इस पे दूसरा x नहीं है, तो मैं कहता हूं कि इसको दूसरा x भी दे दो, ठीक है ना? तो जो भी इसके पास कमी है आप इसको दे दो, पर देंगे यहां नहीं, यहां पे, ठीक है? यहां लिखेंगे। तो जब अब ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज आ जाएगी, 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? तो जो भी इसके पास कमी थी वो आपने दे दी, पर आप देखते हैं इसके बगल में ये भी लिखा हुआ है, लिखा है ना? तो जब आपने इससे मल्टीप्लाई 3x को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको इस 3x को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब आप 3x से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये मैंने साइन बनाया है अब आपको समझाने के लिए, असलियत में नहीं बनाना आपको ऐसा, ठीक है? तो ये नीचे के आ गया 3x। अब इसके साइन, नीचे वालों के साइन को आप चेंज करेंगे। जब आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं ना, तभी तो माइनस करके 1 आता है। अब इनको भी क्या करना है, माइनस। और आपको पता है पॉलिनोमियल में ये दो टर्म है अलग अलग, तो जब आप माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे इसके आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस का है, तो इसको आप क्या कर देंगे, माइनस का। ये भी किसका है, प्लस का, तो इसको भी क्या कर देंगे, माइनस का। तो आप देखेंगे ये दोनों तो सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे, ये दोनों सेम है ये तो आपस में कट जाएंगे। और इसमें आप देखेंगे ये प्लस का x है और ये माइनस का 3x है। अब ऊपर वाला प्लस भूल जाना, इस प्लस को आप भूल जाओ, अब ये वाला इसका साइन है, प्लस का x और माइनस का 3x। प्लस का x और माइनस का 3x होता है माइनस का 2x, ठीक है? प्लस का x और माइनस का 3x क्या होता है, माइनस का 2x, और बाद में क्या आएगा, प्लस का 1, प्लस का 1। तो फिर से आपको क्या देखना है, फिर से आपको यही देखना है कि इसके आगे वाले टर्म के पास ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है, इसके आगे वाले टर्म के पास, ठीक है? तो फिर से आप यही चीज देखेंगे, और मैं इस बार देख रहा हूं कि इस पे ऐसा क्या है जो इस पे नहीं है, इस पे माइनस 2 है जो कि इसके पास नहीं है, तो मैंने यहां पे लिख दिया माइनस का 2, ठीक है? और x तो इसके पास भी है, x इसके पास भी है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये माइनस का 2 जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 2x बन जाएगा, पर इस माइनस के 2 को इस जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस 1, माइनस 2 बन जाए माइनस 2। अब फिर से माइनस का क्या, इस बार साइन चेंज होगा,
ठीक है, इस बार भी जैसे इस बार साइन चेंज हुआ था, प्लस का माइनस बना दिया था, अब जब फिर से आप इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस का क्या बन जाता है, प्लस, तो उल्टा होता, हमेशा ध्यान रखना, इस माइनस का भी क्या बन जाएगा, प्लस। और इस बार आप देख सकते हैं 2x 2x दोनों कट गए, ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 2 है, तो प्लस का 1 और प्लस का 2 कितना होता है, प्लस का 3, तो ये आपने डिवाइड कर लिया, जिसमें से आपका क्वेश्चन ये आया और आपका रिमाइंडर ये आया। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है? तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिवाइड के क्वेश्चन, पेपर में आपके आते हैं बहुत बार, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए और कर लीजिए। मैं और एग्जाम्पल कराऊंगा इसके एक दो, ठीक है? तो फिलहाल इस वाले क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए, तो अभी हमने एक डिवाइड का क्वेश्चन समझा था, अब हम दोबारा से एक और अगला क्वेश्चन समझते हैं, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 में बोला हुआ है डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1, यानी कि आपको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी हमने पिछला वाला किया था। तो इसको डिवाइड करना है तो इसे अंदर लिखेंगे और इसको बाहर लिखेंगे। अभी मैंने समझाया था आपको कैसे डिवाइड करने, कि सबसे पहले इसके आगे वाला टर्म और इसके आगे वाला टर्म देखना है आपको, ठीक है? और आपको इसमें क्या देखना है कि इसके पास ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है, इसके पास ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है। तो आप कहेंगे इसके पास 3 है जो कि इसके पास नहीं है, तो मैं इसको 3 दे दूंगा। आप कहेंगे इसके पास x की पावर 4 है और इसके पास x की पावर 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा तो पावर 1 ही हुआ ना इसका, ठीक है? तो इसके पास पावर कितने कम है, तो पावर 3 कम है, x की पावर 3 कम है। इसके पास x की पावर 4 है, इसके पास x की पावर 1 है, तो कितने कम है, तो x की पावर 3 कम है, तो मैंने इसको x की पावर 3 भी दे दिया, ठीक है? तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये x के साथ मल्टीप्लाई होके तो 3x की पावर 4 बन जाएगा, और ये 3x की पावर 3 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके बनेगा माइनस का 3x की पावर 3, ठीक है? अब साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस बन जाता है और माइनस का क्या बन जाता है, प्लस, ये बात आपको पता है। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, सेम है, और ये है माइनस का 4x की पावर 3 और ये है प्लस का 3x की पावर 3, तो बचेगा क्या, माइनस का x की पावर 3, और इन दोनों को नीचे आप लिख लेंगे, माइनस का 3x माइनस का 1, इन दोनों को यहां पे लिख लेंगे। फिर से देखेंगे कि इसके पास ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है, तो आप कहेंगे इसके आगे माइनस है और इसके आगे माइनस नहीं है, तो मैंने इसको क्या दे दिया, माइनस। साइन का भी बहुत बड़ा खेल होता है, इस बात का ध्यान रखना, साइन अगर उसके पास अपोजिट है तो आप उसको जरूर देंगे, ठीक है? फिर आप कहेंगे इसके पास x की पावर 3 है और इसके पास x की पावर 1 है, तो मैं कहूंगा कि x की पावर कितने कम है, तो आप कहोगे x की पावर 2 कम है, तो इसको क्या दे दिया, x की पावर 2, तो ये माइनस का x की पावर 2 जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x की पावर 3 बन जाएगा, ठीक है? और यही जब माइनस का x की पावर 2 है, ये माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहली बात तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और x की पावर 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा प्लस का x की पावर 2। तो जो प्लस का x की पावर 2 है, आप बताओ मैं कहां लिखूं, क्या मैं इसको यहां लिखूं? आपको, आप कहोगे कहीं भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है, तो मैं कहूंगा कि फर्क पड़ता है। कभी भी आप किसी भी वेरिएबल में, आप लोगों ने 8th क्लास में लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स पढ़ा होगा ना, और उसमें आपने ये पढ़ा था लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स में, कि हमेशा आपस में जो सम कर सकते हैं हम, ऐड या माइनस, हमेशा लाइक टर्म्स आपस में जुड़ सकते हैं, ठीक है? लाइक टर्म्स ही आपस में जुड़ सकते हैं और माइनस हो सकते हैं, कि आप हमेशा एक्स स्क्वायर में ही एक्स स्क्वायर जोड़ सकते हो, कि आपने 3x स्क्वायर है और 2x स्क्वायर है, इनको जोड़ना है तब आप जोड़ सकते हैं 5x स्क्वायर। पर अगर मेरे पास एक तरफ लिखा हुआ है 3x स्क्वायर और दूसरा लिखा हुआ है 4x की पावर 3 और मैं इनको कहूंगा कि जोड़ के दिखाओ, तो आप इनको नहीं जोड़ सकते, इसको इनको आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि 3x की पावर 2 प्लस 4x की पावर 3, आपको इन्हें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अगर आप लोग भूल गए तो मैं बता दूं, वो टर्म जिनमें वेरिएबल भी सेम होती है और वेरिएबल की पावर भी सेम होती है, उन्हें बोला जाता है लाइक टर्म्स। जैसे इनमें वेरिएबल तो सेम है एक्स एक्स, पर उनकी पावर सेम नहीं है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 3 है, ठीक है? तो अगर पावर में डिफरेंस आ जाता है या वेरिएबल ही अलग अलग हो जाते हैं तो उन्हें हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं। तो फिलहाल ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं।
तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को इसके नीचे लिखता हूं तो ऊपर एक्स की पावर 1 है, नीचे एक्स की पावर 2 है, ये अनलाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम एक साथ नहीं लिख सकते, मैं इसके साथ भी नहीं लिख सकता, यानी कि मैं इस एक्स स्क्वायर को इन दोनों के साथ नहीं लिख सकता, इन दोनों के साथ नहीं लिख सकता, तो मैं इसको कहां लिखूं, इसको मैं साइड में लिख देता हूं, ठीक है। जब हम इसे कहीं नहीं लिख सकते तो हम इसको साइड में लिख देते हैं, इन दोनों के नीचे तो लिख ही नहीं सकते, तो इसलिए मैंने साइड में कर दिया। अब मुझे क्या करना है, फिर से माइनस का प्लस बन जाएगा और प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस, ये दोनों तो कट जाएंगे और बचेगा क्या, माइनस का 3x, माइनस का 1 और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन चेंज कर दिया ना आपने। पर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात और बताई थी कि हमेशा बड़ी पावर को आगे रखते हैं, छोटी पावर को पीछे, तो आप देख सकते हैं ये पावर 2 है जो कि अब बची हुई में से सबसे बड़ी पावर है, तो इसीलिए मुझे इसे आगे लिखना पड़ेगा, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर को मैं आगे लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ये पावर सबसे बड़ी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर से मुझे डिवाइड करना है, तो फिर से मैं देखूंगा इसके पास ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है, आप लोगों को ये रट लेना है हमेशा कि इसके पास ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है, अगर आपने ये चीज सोच ली ना तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो डिवाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है उनको पॉलिनोमियल्स की, पर आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपने एक बात रट ली, क्या, कि इसके पास ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है, ये बात आपने रट ली तो आप आराम से हर बार क्वेश्चन को कर लेंगे। फिर से आप देखेंगे इसके पास ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है, आप कहेंगे कि इसके पास माइनस है, इसके पास माइनस नहीं है, तो मैं कहूंगा ले ले भाई माइनस, फिर कहूंगा, फिर आप कहोगे कि इसके पास x की पावर 2 है और इसके पास x की पावर कम है, तो मैं पूछूंगा पावर कितने कम है, तो आप कहोगे पावर 1 कम है, तो मैं कहूंगा ले भाई x की पावर 1 ले ले, तो जैसे ही आपने ये लिया तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके बन जाएगा x माइनस x की पावर 2, और माइनस का x जब इस माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और x, ठीक है। फिर से आप साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो इनको आप काट देंगे, ये माइनस का 3x और माइनस का x दोनों मिलके बनेगा माइनस का 4x और ये बनेगा माइनस का 1। फिर से मैं कहूंगा इसके पास ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है, आप कहोगे इसके आगे माइनस 4 है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो मैं कहूंगा ले भाई माइनस 4, और बाकी x तो दोनों के पास है, बिल्कुल सेम है बाकी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 4 से इस x को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4x बनेगा, और माइनस के 4 से इस माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस बनेगा प्लस और 4। अब जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो फिर से माइनस की जगह आएगा प्लस और प्लस की जगह आएगा माइनस, ये दोनों तो कट जाएंगे, माइनस का 1 और माइनस का 4, नीचे क्या आएगा माइनस का 5, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइड हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हमने दो क्वेश्चन किए डिवाइड वाले, तो आप इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि हम ये कर रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, यानी हमने जो डिवाइड करी है वो बिल्कुल ठीक है, इस बात का हमें कैसे पता चलेगा। तो कोई डिवाइड हमारी सही है या गलत है इस बात का हमें कैसे पता चलता है वो मैं आपको समझाता हूं। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, तो मैं समझाता हूं कि किसी क्वेश्चन में हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई हमने जो डिवाइड करी है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो अभी मैंने ये वाला डिवाइड किया, मैं इसी में बता देता हूं आपको कि हम कैसे पता लगाते हैं कि हमने जो डिवाइड किया है बिल्कुल ठीक है या नहीं। आप इसमें कुछ चीजें देख लीजिए, सबसे पहले कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था डिवाइजर के बारे में, डिविडेंट के बारे में, कोशेंट के बारे में एंड रिमाइंडर के बारे में, कि डिवाइजर यानी कि भाजक, हिंदी में कहते हैं इसे भाजक, इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भागफल, इसे कहते हैं शेषफल। तो कौन कौन होते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वो आपका डिवाइजर होता है, जिसे डिवाइड करते हैं वो आपका डिविडेंट यानी भाज्य होता है, जो आपका सॉल्व करके आता है वो आपका कोशेंट यानी कि भागफल होता है, और जो नीचे बचता है ये आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं हमारे पास डिवाइजर क्या है, डिविडेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है और कोशेंट क्या है। तो आपका डिवाइजर तो ये रहा एक्स माइनस वन, तो यहां मैं लिख देता हूं एक्स माइनस वन। डिविडेंट जो है आपका ये वैल्यू है, मैं इसको रब कर रहा हूं,
तो आपका डिविडेंड है एक्स 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1, ये आपका डिविडेंड है। क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपका क्वेश्चन आया था इधर 3x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और रिमाइंडर क्या था आपका जो नीचे आया था, नीचे आया था आपका माइनस 5। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे पता लगाएं, कैसे चेक करें कि कोई हमने क्वेश्चन किया है तो वो बिल्कुल ठीक है या नहीं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। यानी कि जो डिविडेंड होता है ना, ये भाज्य जिसको आप डिवाइड करते हैं, ये कैसे आता है, ये इस डिवाइजर और इस क्वेश्चन की मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई करके उसमें ये ऐड कर देते हैं, जब ये ऐड कर देते हैं रिमाइंडर, तो ये पूरा आ जाता है। ठीक है, यानी कि जब आप ऐसे डिवाइड करते हैं ना, मैंने अभी आपको दिया था एग्जांपल, तो 4 6 24, 1 बचा, 4 4 16 और कट गया, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो मैंने आपको बताया था, या मैं एग्जांपल कुछ और ले लेता हूँ, बार बार एक ही एग्जांपल नहीं, हम कुछ और ले लेते हैं। मान लेते हैं हम 65 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, तो कितना आएगा, 3 2 6 कट जाएगा, 5 आएगा, तो 3 1 3 नीचे कितना बचेगा, 2। तो अगर मुझे इसे लाना है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों की गुना करेंगे और उसमें नीचे वाला ऐड करेंगे, यानी कि 3 गुना में 21 जमा में 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में 2, यानी 3 1 3 और 3 2 6 और प्लस में 2, ऐड करो कितना आता है, 65। यानी कि हमेशा डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू होता है डिविडेंड के। ये बात समझ में आ रही है आपको, तो यहां पे मैंने आपका ये फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या नहीं, तो उसके लिए आपको इन सब चीजों को पुट करना पड़ेगा। जैसे तो यहां पे डिवाइजर क्या है आपका, x माइनस 1, और आपका क्वेश्चन क्या आया था, 3x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और प्लस करना है रिमाइंडर माइनस का 5, इज इक्वल टू क्वेश्चन कितना आएगा आपका, 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, अगर आपको इस चीज को चेक करना है तो आपको अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको अब ये सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, मैं फिर से करा रहा हूं एक बार, मतलब इस चीज को ऊपर लिख के पूरा सॉल्व कर रहा हूं। ये चीज मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, x माइनस 1 इंटू में 3x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 प्लस में माइनस 5 इज इक्वल टू आना चाहिए 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1, ये प्रूव करना है। तो आप पहले LHS ले लेंगे और उसको RHS के बराबर प्रूव करेंगे, टेक LHS, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी इस पूरी वैल्यू को लेके आपको इसके बराबर प्रूव करना है। तो ले लो x माइनस 1 इंटू 3x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है 5, ठीक है, इस यहां तक ले जाना हमें, लास्ट में वो आना चाहिए। तो कैसे करते हैं, हाँ भाई, इससे मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये एक मल्टीप्लाई है जो कि आपने छोटी क्लास में सीखी है कि पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स हैं, तो पहले इस वाले टर्म से पूरे को मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर इस वाले टर्म से पूरे को मल्टीप्लाई किया जाएगा। यानी कि मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा एक्स से, एक्स से मल्टीप्लाई करना है पूरा 3x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 को, ठीक है, और फिर इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है 3x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 को, और लास्ट में माइनस करना है 5, लास्ट में माइनस करना है 5। तो
सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई आती है आप लोगों को, ठीक है, वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई। अभी हमने पिछले चैप्टर में भी ये सीखा था कि मुझे अगर मल्टीप्लाई करनी है तो देखो 3 तो ऐसे ही रहेगा नंबर, वेरिएबल की पावर्स जो होती है ऐड हो जाती है, 3x की पावर 3 और ये x की पावर 1, तो जोड़ दोगे तो बन जाएगा 3x की पावर 4। फिर माइनस है, माइनस लगा दिया, x और x की पावर 2 मल्टीप्लाई होके बन जाएगा x की पावर 3। फिर माइनस है, माइनस लगा दिया, x और x की पावर 2 बन जाएगा। फिर माइनस है, माइनस लगा दिया, x मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4x, माइनस का 4x बन जाएगा। अब इस माइनस के 1 से सबको मल्टीप्लाई करना है। जब माइनस के 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाय 3x की पावर 3, तो बन जाएगा माइनस का 3x की पावर 3। जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना सबको, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, इतना सा याद रख लेंगे आप। ये माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर, इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का एक्स, इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4, और लास्ट में क्या है, माइनस का 5। अब आप सॉल्व कर देंगे, 3x की पावर 4 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि और किसी का पावर 4 नहीं है। अब आप यहां देखेंगे माइनस का x की पावर 3 और माइनस का 3x की पावर 3 दोनों माइनस के हैं, इसलिए माइनस का 4x की पावर 3 बन जाएगा। दोनों माइनस के हैं तो आगे माइनस लग जाएगा और जुड़ जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक उधार आपके पास पहले से 3 उधार और हो गया, तो टोटल कितना उधार हो गया, 4, यानी दोनों माइनस के हैं और 4x की पावर 3। फिर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएंगे क्योंकि एक दोनों के साइन जो है अपोजिट है आपस में। फिर अगला है माइनस का 4x और प्लस का x, माइनस का 4x प्लस का x, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस करेंगे और 4 में से x जाएगा, एक x जाएगा, तो माइनस का बचेगा 3x। और लास्ट में बचा ये 4, प्लस का 4 और माइनस का 5, प्लस का 4 और माइनस का 5 होता है माइनस का 1। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वही वैल्यू आ गई जो हमारे RHS में लिखी हुई है, ठीक है। 3x की पावर 4, माइनस 4x की पावर 3, माइनस का 3x, माइनस का 1, तो इज इक्वल टू RHS। तो यानी कि अगर हम, यानी कि हमने जो क्वेश्चन किया था, हमने जो डिवाइड किया था वो बिल्कुल ठीक था, हमारा जो क्वेश्चन आया, रिमाइंडर आया, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आप करेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तभी आपका दोनों तरफ से बराबर बराबर आएगा। अगर आपने कुछ भी गलत किया होगा तो ये वैल्यू उस वैल्यू के बराबर नहीं आएगी। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने सीखा डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स की डिवाइड कैसे करते हैं। कल हम, अब जो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे उसमें हम ये सीखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। इसमें अब हमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो है रिमाइंडर थ्योरम, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आप इतना रिवाइज कर लीजिए, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।